कोरोना को लेकर गोरखपुर में किए जा रहे प्रयास को शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और जनपद में कोरोना के नियंत्रण की जानकारी हासिल की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं से भी उनके आसपास के बारे में जानकारी ली तथा सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया कि गोरखपुर में एक भी कोरोना का मामला अभी संज्ञान में नहीं आया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में भी प्रयास रहेगा कि गोरखपुर में कोई कोरोना मरीज न आने पाए। पहना पड़ेगा क्योंकि बड़ी मात्रा में बाहर से आए हुए लोग हैं या गोरखपुर के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर विदेशों की यात्राएं की हैं या विदेशों से आए हैं, वह एक बड़ी संख्या अभी मौजूद है। इन सब की जांच भी हो रही है, इन सबको हम लोग वहां पर हर प्रकार से जांच भी करवा रहे हैं। इन सबको किसी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, किसी को घर में ही रख करके निरंतर उनकी निगरानी करने का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने प्रयास किया है, भारत सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे लॉकडाउन की घोषणा की उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा भी की। गरीब कल्याण पैकेज में जिन लोगों का स्वाभाविक रूप से जो रोज कमाने वाले लोग हैं उन लोगों के व्यवसाय पर, उनके रोज के रोजी रोजगार पर असर पड़ा है, तो इसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की जो घोषणा की उस पैकेज के अंतर्गत गरीबों को सहायता देने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। जैसे बैंकों में पैसा जा रहा है जिनका जनधन अकाउंट था, ऐसे महिला लाभार्थियों को उनके अकाउंट में पैसा भेजने का कार्य हो रहा है। ऐसे ही मनरेगा के मजदूरों को जो पैसा था वह उनके खाते में दिया जा रहा है। खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई पहले चरण की हो चुकी है, दूसरे चरण की 15 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। ऐसे ही हम लोगों ने भी प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था की है कि जो भी ऐसे लोग थे, चाहे वह निर्माण श्रमिक हो, रेहड़ी लगाने वाले, ठेला कोमचा पटरी व्यवसायी या फिर रिक्शा ई रिक्शा पल्लेदार कुली, इन सबको भी कवर करने की कार्रवाई हम लोगों ने की और भरण पोषण भत्ता उनको हम लोग युद्ध स्तर पर उन्हें देने की कार्रवाई कर रहे हैं। एक और व्यवस्था हम लोगों ने की कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किन्हीं कारणों से अपना राशन कार्ड नहीं बना पाए हैं या फिर बाहर से आए हैं, तात्कालिक रूप से उनकी आवश्यकताएं हैं, हम लोगों ने उनके लिए भी एक व्यवस्था की है कि वे सभी लोग प्रशासन स्थानीय स्तर पर उन सब की समीक्षा कर लें, सर्वे कर लें। ऐसे लोगों को राशन देने के अलावा भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था भी ऐसे लोगों के लिए कर लें। ये कार्रवाई हरेक स्तर पर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कि लॉकडाउन है वो स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन की कार्रवाई के दौरान हम जैसे पहले बाजार जाते थे, खरीदारी कर लेते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, अपने समय से जाते थे, अपने समय से फिर बाद में आते थे, कहीं भीड़ होती थी लोगों के दौरान हमें इस अनुशासन को मानना पड़ेगा कि हम घर में हैं तो स्वस्थ हैं, बाजार जा रहे हैं पता नहीं कहां पर कौन संक्रमित व्यक्ति आ गया और हम उसकी चपेट में आकर के पहले स्वयं फिर परिवार के लोग फिर अन्य लोगों को ये बीमारी हम दे देंगे। इसलिए लॉकडाउन की कार्रवाई का पालन करना, इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कमेटियां प्रदेश स्तर पर बनाई हैं, जनपद स्तर पर भी बनी हैं, जो लोगों को प्रयास कर रही हैं कि हर संभव प्रयास हो कि परेशानी किसी को न हो, लेकिन फिर भी एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए हम लोगों को इस समस्या को झेलने की तैयारी रहनी चाहिए कि हम अगर आज लॉकडाउन की इस कार्रवाई में हम लोग इन स्थितियों का सामना कर रहे हैं और इसका पालन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छे स्वास्थ्य के कारण भी बनेंगे, अच्छी स्थिति हमारी भी रहेगी। और मुझे लगता है कि गोरखपुर में लॉकडाउन 22 तारीख से ही है, यानी गोरखपुर में आज 20वां दिन है लॉकडाउन का और प्रदेश के बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहां पर आज 20वां दिन है लॉकडाउन का और बहुत सफलतापूर्वक लोगों ने उसका अनुपालन किया। जहां पर अनुपालन किया वहां पर उसके बहुत अच्छे परिणाम है कि
वहां पर लोग सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। स्वाभाविक रूप से हमें इधर ही जाने की आवश्यकता है और इसीलिए मैंने आज ये आवश्यक समझा है कि हम लोग कुछ चीजों पर ध्यान देते हुए मैं एक प्रदेश के बारे में भी और 431 कोरोना से जुड़े हुए मरीज पाए गए हैं, यानी कोरोना पॉजिटिव जिन्हें हम कह सकते हैं 431 लोग हैं। इनमें जो संख्या ये बढ़ी है एकाएक, इसमें 246 इसमें तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग, और तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग अभी भी जहां जहां गए होंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस निजामुद्दीन के कार्यक्रम में ये लोग गए थे, वहां पर बाहर से आने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव था और उसके कारण ये बीमारी फैली है, और उसके कारण ये लोग जहां कहीं भी गए हैं वहां पर ये बीमारी को बहुत तेजी के साथ फैलाए हैं, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में ये संख्या अभी लगभग हमारे पास जो हम लोगों ने अब तक गिरफ्तारी की है, ये गिरफ्तारी हुई है लगभग 2400 में से जांच की प्रक्रिया को तेजी के साथ हम लोग बढ़ा रहे हैं, और इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसमें अभी तक जो हमारे पास कुल 431 मामले आए हैं उनमें से 246 केवल तबलीग की जमात से जुड़े हुए मामले हैं, और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है, इसलिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। देश के अंदर बहुत समय पर प्रधानमंत्री जी ने यह कदम उठाया कि लॉकडाउन से पूरे देश को बचा दिया, अन्यथा अमेरिका जैसा देश कैसा पस्त पड़ा हुआ है। 16,000 से अधिक मौतें अमेरिका में हो गई हैं, इटली में 18,000 से अधिक मौतें हो गई हैं, स्पेन में 15,000 से अधिक मौतें हो गई हैं, यानी दुनिया के वे विकसित देश जिनके पास सब कुछ है, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, आबादी कम है, लेकिन तब भी इतनी बड़ी मात्रा में मौतें हो रही हैं। कारण है इस बीमारी का, इस महामारी का कोई उपचार नहीं है, कोई दवा नहीं है, इसका एक ही उपचार है घर में रहना, इसका एक ही उपचार है अनुशासन को मानना, इसका एक ही उपचार है हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, यानी दो लोग अगर हैं घर में भी तो घर में भी एक साथ सड़ के ना बैठे, बल्कि एक एक मीटर दो दो मीटर की दूरी पर बैठ करके अपना कार्य करें, बातचीत करें घर में या बाहर। ये जो मास्क है या साफा है, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग साफा रखते हैं, गमछा रखते हैं, हम साफ सुथरा गमछे का इस्तेमाल करते हुए अगर इसको रखें, गमछे का इस्तेमाल करें, लंबे समय तक अगर हमें स्वस्थ रहना है, अपने अपने परिवार के उत्तम भविष्य की चिंता करनी है, तो स्वाभाविक रूप से हमें आज इस दिशा से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि लॉकडाउन की कार्रवाई में हम पूरा सहयोग करें। और मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर वासियों को, आप सभी विभिन्न संगठनों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इन सभी को कि गोरखपुर में भी इस बीमारी बची हुई है और कोई भी इस प्रकार का पॉजिटिव केस वहां पर नहीं आया है। यद्यपि अभी हमें और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में बाहर से आए हुए लोग हैं, या गोरखपुर के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर विदेशों की यात्राएं की हैं या विदेशों से आए हैं, वह एक बड़ी संख्या अभी मौजूद है। इन सब की जांच भी हो रही है, इन सब को हम लोग वहां पर हर प्रकार से जांच भी करवा रहे हैं, इन सब को किसी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, किसी को घर में ही रख करके निरंतर उनकी निगरानी करने का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने प्रयास किया है, भारत सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा भी की। गरीब कल्याण पैकेज में जिन लोगों का स्वाभाविक रूप से जो रोज कमाने वाले लोग हैं, उन लोगों के व्यवसाय पर, उनके रोज के रोजी रोजगार पर असर पड़ा है, तो इसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की जो घोषणा की, उस पैकेज के अंतर्गत
गरीबों को सहायता देने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। जैसे बैंकों में पैसा जा रहा जिनका जनधन अकाउंट था, ऐसे महिला लाभार्थियों को उनके अकाउंट में पैसा भेजने का कार्य हो रहा है। ऐसे ही मनरेगा के मजदूरों को जो पैसा था वह उनके खाते में दिया जा रहा है। खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई पहले चरण की हो चुकी है, दूसरे चरण की 15 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। ऐसे ही हम लोगों ने भी प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था की है कि जो भी ऐसे लोग थे, चाहे वह निर्माण श्रमिक हो, रेहड़ी लगाने वाले, ठेला, कोमचा, पटरी व्यवसायी या फिर रिक्शा, ई रिक्शा, पल्लेदार, कुली, इन सबको भी कवर करने की कार्रवाई हम लोगों ने की और भरण पोषण भत्ता उनको हम लोग युद्ध स्तर पर उन्हें देने की कार्रवाई कर रहे हैं। एक और व्यवस्था हम लोगों ने की कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किन्हीं कारणों से अपना राशन कार्ड नहीं बना पाए हैं या फिर बाहर से आए हैं, तात्कालिक रूप से उनकी आवश्यकताएं हैं, हम लोगों ने उनके लिए भी एक व्यवस्था की है कि वे सभी लोग प्रशासन स्थानीय स्तर पर उन सब की समीक्षा कर लें, सर्वे कर लें। ऐसे लोगों को राशन देने के अलावा भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था भी ऐसे लोगों के लिए कर लें। ये कार्रवाई हरेक स्तर पर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कि लॉकडाउन है वो स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन की कार्रवाई के दौरान हम जैसे पहले बाजार जाते थे, खरीदारी कर लेते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, अपने समय से जाते थे, अपने समय से फिर बाद में आते थे, कहीं भीड़ होती थी लोगों के दौरान हमें इस अनुशासन को मानना पड़ेगा कि हम घर में हैं तो स्वस्थ हैं, बाजार जा रहे हैं पता नहीं कहां पर कौन संक्रमित व्यक्ति आ गया और हम उसकी चपेट में आकर के पहले स्वयं, फिर परिवार के लोग, फिर अन्य लोगों को ये बीमारी हम दे देंगे। इसलिए लॉकडाउन की कार्रवाई का पालन करना, इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कमेटियां प्रदेश स्तर पर बनाई हैं, जनपद स्तर पर भी बनी हैं, जो लोगों को प्रयास कर रही हैं कि हर संभव प्रयास हो कि परेशानी किसी को न हो, लेकिन फिर भी एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए, तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए हम लोगों को इस समस्या को झेलने की तैयारी रहनी चाहिए कि हम अगर आज लॉकडाउन की इस कार्रवाई में हम लोग इन स्थितियों का सामना कर रहे हैं और इसका पालन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छे स्वास्थ्य के कारण भी बनेंगे, अच्छी स्थिति हमारी भी रहेगी। और मुझे लगता है कि गोरखपुर में लॉकडाउन 22 तारीख से ही है, यानी गोरखपुर में आज 20वां दिन है लॉकडाउन का और प्रदेश के बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहां पर आज 20वां दिन है लॉकडाउन का और बहुत सफलतापूर्वक लोगों ने उसका अनुपालन किया। जहां पर अनुपालन किया वहां पर उसके बहुत अच्छे परिणाम है कि वहां पर लोग सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। स्वाभाविक रूप से हमें इधर ही जाने की आवश्यकता है और इसीलिए मैंने आज ये आवश्यक समझा है कि हम लोग कुछ चीजों पर ध्यान देते हुए मैं एक प्रदेश के बारे में भी और गोरखपुर के बारे में भी आप सबसे बातचीत करूं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में आज तक 431 कोरोना से जुड़े हुए मरीज पाए गए हैं, यानी कोरोना पॉजिटिव जिन्हें हम कह सकते हैं 431 लोग हैं। इनमें जो संख्या ये बढ़ी है एकाएक, इसमें 246 इसमें तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग, और तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग अभी भी जहां जहां गए होंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस निजामुद्दीन के कार्यक्रम में ये लोग गए थे वहां पर बाहर से आने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव था और उसके कारण ये बीमारी फैली है और उसके कारण ये लोग जहां कहीं भी गए हैं वहां पर ये बीमारी को बहुत तेजी के साथ फैलाए हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में ये संख्या अभी लगभग हमारे पास जो हम लोगों ने अब तक गिरफ्तारी की है ये गिरफ्तारी हुई है लगभग 2400 में से जांच की प्रक्रिया को तेजी के साथ हम लोग बढ़ा रहे हैं और इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसमें अभी तक जो हमारे पास कुल 431 मामले आए हैं उनमें से 246 केवल तबलीग की जमात से जुड़े हुए मामले हैं और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। इसलिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। देश के अंदर
बहुत समय पर प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया कि लॉकडाउन से पूरे देश को बचा दिया, अन्यथा अमेरिका जैसा देश कैसा पस्त पड़ा हुआ है। 16,000 से अधिक मौतें अमेरिका में हो गई हैं, इटली में 18,000 से अधिक मौतें हो गई हैं, स्पेन में 15,000 से अधिक मौतें हो गई हैं। यानी दुनिया के वे विकसित देश जिनके पास सब कुछ है, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, आबादी कम है, लेकिन तब भी इतनी बड़ी मात्रा में मौतें हो रही हैं। कारण है इस बीमारी का, इस महामारी का कोई उपचार नहीं है, कोई दवा नहीं है, इसका एक ही उपचार है घर में रहना, इसका एक ही उपचार है अनुशासन को मानना, इसका एक ही उपचार है हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। यानी दो लोग अगर हैं घर में भी तो घर में भी एक साथ सड़ के न बैठें, बल्कि एक एक मीटर दो दो मीटर की दूरी पर बैठ करके अपना कार्य करें, बातचीत करें घर में या बाहर। ये जो मास्क है या साफा है, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग साफा रखते हैं, गमछा रखते हैं, हम साफ सुथरा गमछे का इस्तेमाल करते हुए अगर इसको रखें, गमछे का इस्तेमाल करें, बाहर निकल रहे हैं या घर में बात कर रहे हैं तो साफा या गमछा सिर्फ मुंह पर रख करके तब बात करें। अगर किसी इमरजेंसी कार्य से हमें बाहर निकलना हो, उन स्थितियों में अगर हम लोग बाहर निकलना ही पड़े, पहले तो ना निकले, अगर निकलना ही पड़े उन स्थितियों में अगर हम लोग मुंह पर मास्क या गमछा लगा करके चलेंगे तो हमारे लिए सुरक्षा होगी। और ये कुछ आवश्यक नियम मानने बहुत आवश्यक है। इससे आज इन कार्यों को बताने के लिए भी मैं आप एक मैंने आवश्यक समझा कि गोरखपुर के सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में एक बार मैं चर्चा करूं। दूसरा, हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, प्रशासन से स्पष्ट कहा है, देखिए हमारी जो आशंकाएं थी वे वैसे नहीं थी, आखिर वो चीजें देखने को भी मिल रही हैं। खासतौर पर हम लोगों ने पहले हर एक व्यक्ति भोजन वितरित कर रहा था और भोजन वितरण के साथ कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही थी। हम लोगों ने दो दिन पहले ही इस पे रोक भी लगाई। हम लोगों ने कहा कि देखो हर एक व्यक्ति भोजन न पाए, उन्हीं संस्थाओं से भोजन लिया जाए जिनकी प्रमाणिकता हो, जिनके बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह न हो। और आज अगर हम लोग सतर्क नहीं रहते तो क्या स्थिति होती। लखनऊ और कानपुर में कुछ जगह ऐसा भोजन मिला है, अच्छा हुआ कि समय रहते हुए हम लोगों ने सतर्कता के साथ उसको पूरी उसके साथ उसको रोक दिया। उन्होंने भोजन में नॉन वेज वहां बांटने का प्रयास किया और ये सरासर नॉन वेज के साथ कुछ भी हो सकती, इसलिए सतर्कता आवश्यक है। और इसमें हम लोग भी देखें कि हमारे जो संगठन हैं वे कहीं भोजन पैकेट बांटने के पहले इस बात की सतर्कता जरूर रखें कि पहले वे प्रशासन के संज्ञान में जरूर ला दें, प्रशासन को बताएं। कम्युनिटी किचन हर एक जगह बनाए गए, उन किचन के माध्यम से ही हम लोग ये भोजन अगर वितरित करें और वे लोग करेंगे तो प्रशासन के पास इससे सुरक्षा के उपाय भी हैं, उस प्रकार के इक्विपमेंट भी उनके पास हैं। साथ साथ उन्होंने एक मशीनरी हर एक जनपद में हम लोगों ने डेवलप की है, उसके माध्यम से भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम लोग अनुशासन को माने, जहां तहां भीड़ न लगाएं, राशन की दुकान हो हम लोगों को बताएं कि राशन लेना आवश्यक है तो हम इस बात को देखें कि वहां भी भीड़ न लगाएं, जमावड़ा न करें, प्रयास करें अलग अलग दिन अलग अलग मोहल्ले के लोग अलग अलग समय पे जाएं, या अगर जाना ही आवश्यक है उन स्थितियों में वहां पर हम देखें कि दूरी दूरी पर लोग खड़े हों, मास्क या गमछा अपने मुंह पे लगाएं। बैंकों में पैसा जा रहा है तो बैंकों के इस पैसे को भी हम तत्काल बैंक में जाकर के भीड़ लगाने के बजाय, बैंक में पैसा है तो सुरक्षित ही रहेगा, आपकी आवश्यकता है तो आप जाइए, नहीं तो मत जाइए बैंक। बाद में जब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब बैंक से पैसा निकालिए, अनावश्यक रूप से बैंकों में जमावड़ा ना हो। और अगर जमावड़ा बहुत आवश्यक हो पैसा निकालने की तो वहां जाकर के दूरी दूरी पर लोग खड़े होंगे, मास्क लगाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुंह पर गमछा लगाने का कार्य करेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में वे मदद कर सकते हैं।
और इसमें आप सबकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आप सभी ने गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने मिलकर के गोरखपुर में। स्वाभाविक रूप से ये इंसेफ्लाइटिस से ज्यादा खतरनाक है। इंसेफ्लाइटिस संक्रामक नहीं थी। अगर इंसेफ्लाइटिस में एक व्यक्ति एक बच्चे को बीमारी होती थी, आपने देखा होगा कि उसी बेड में दूसरा बच्चा भी तीन चार बच्चे एक साथ लिटा दिए जाते थे, क्योंकि वो संक्रामक बीमारी नहीं थी। उसके लिए समय के अनुरूप वैक्सीन विकसित हो गया था, उपचार होना शुरू हो गया था। हम गोरखपुर में सफलतापूर्वक उसका उपचार कर रहे हैं। गोरखपुर में हम लोगों ने इसके लिए वायरोलॉजी लैब भी बनाया है, लेकिन कोरोना वायरस का कोई उपचार नहीं है। केवल इतने तक सफलता प्राप्त हुई कि हम जानकारी ले सकते हैं टेस्ट के माध्यम से कि इस व्यक्ति को कोरोना है, इतनी जानकारी भर हो सकती है। बाकी उपचार कोई अन्य दवा नहीं है, उपचार इसका एक ही है, पहले बचाओ। और बचाव का कारण है घर में रहें, हम लॉकडाउन का पालन करें। दूसरा, हम लोग अगर बाहर किसी इमरजेंसी कार्य से निकलना ही पड़ रहा है, उन स्थितियों में इस बात का पालन करें कि दूरी रख करके मुंह पर कपड़ा या मास्क लगा करके ही हम लोग चलें। ये चीजें अगर हम करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। और जिस प्रकार से गोरखपुर अभी पूरी तरह बचा हुआ है, उसको हमें आगे भी बचा के रखना है। इसमें आपकी एक बड़ी भूमिका होगी, सकारात्मक पहल आपके स्तर पर। जो भी कार्य करना है, टेलीफोन है, इसलिए दिन भर आपके पास है। आप टेलीफोन का उपयोग करके लोगों को मैसेज दे सकते हैं, प्रशासन को बता सकते हैं, शासन को बता सकते हैं, अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। आवश्यक सूचना के आदान प्रदान के बारे में हर एक स्तर पर लोग लगे हुए हैं, उनके माध्यम से इस जानकारी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि आपके साथ हम बात करें। हम ध्यान दें कि जब पहला मरीज उत्तर प्रदेश में 3 मार्च को पाया गया था, तब हमारे पास एक भी लेबोरेटरी नहीं थी जहां हम कोरोना की जांच कर सके। बात करेंगे लग रहा है। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 10 ऐसी लैब तैयार कर दी है जहां पर कोरोना की जांच हो सकती है, जिसमें गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी हम लोगों ने लैब तैयार की है। इसी प्रकार से जब कोरोना का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में 3 मार्च को पाया गया था, तो हमें उसको उपचार के लिए दिल्ली भेजना पड़ा था। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हम लोगों ने उपचार के लिए हॉस्पिटल तैयार कर दिया है, लेवल 1 का, लेवल 2 का, यानी उससे गंभीर होगा तो लेवल 2 के, यानी लेवल 1 के हमारे पास 75 हॉस्पिटल हैं, लेवल 2 के हमारे पास 51 हॉस्पिटल हैं, और लेवल 3 के, यानी जो दुनिया के अंदर सबसे अच्छी उपचार की सुविधा हो सकती है, उसको हम प्रदेश के 6 हॉस्पिटल में वो सुविधा हम लोगों ने आज के दिन पर उपलब्ध करवा दी है, और आगे हम इसको और विस्तार करने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बीमारी ही न हो, हमारा ये प्रयास होना चाहिए। और इस दृष्टि से हम लोग प्रयास करें कि लोगों को व्यापक जागरूक इस मामले में करें, टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हो। बताइए कोई समस्या? हाँ मैडम जी, कुछ जो है, हाँ, ये लॉकडाउन जो है इसकी समय सीमा और बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन की सीमा जो है 14 तारीख तक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए। मतलब भैया जो है आठ पार्ट में, मतलब मोहल्ले इस तरह से खोला जाए, एक साथ में खोल दिया जाए, क्योंकि एक साथ खोलने से काफी लोग बाजार में आ जाएंगे और वो अपनी दूरियां मतलब कम हो जाएंगी, वो ठीक नहीं रहेगा। और दूसरा मामला, अगर जाना ही आवश्यक है उन स्थितियों में, वहां पर हम देखें कि दूरी दूरी पर लोग खड़े हों, मास्क या गमछा अपने मुंह पे लगाएं। बैंकों में पैसा जा रहा है तो बैंकों के इस पैसे को भी हम तत्काल बैंक में जाकर के भीड़ लगाने के बजाय, बैंक में पैसा है तो सुरक्षित ही रहेगा, आपकी आवश्यकता है तो आप जाइए, नहीं तो मत जाइए बैंक। बाद में जब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब बैंक से पैसा निकालिए। अनावश्यक रूप से बैंकों में जमावड़ा ना हो, और अगर जमावड़ा बहुत आवश्यक हो पैसा निकालने की, तो वहां जाकर के दूरी दूरी पर लोग खड़े होंगे, मास्क लगाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुंह पर गमछा लगाने का कार्य करेंगे,
तो सुरक्षित भी रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में वे मदद कर सकते हैं, और इसमें आप सबकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आप सभी ने गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने मिलकर के गोरखपुर में। स्वाभाविक रूप से ये इंसेफ्लाइटिस से ज्यादा खतरनाक है। इंसेफ्लाइटिस संक्रामक नहीं थी। अगर इंसेफ्लाइटिस में एक व्यक्ति एक बच्चे को बीमारी होती थी, आपने देखा होगा कि उसी बेड में दूसरा बच्चा भी तीन चार बच्चे एक साथ लिटा दिए जाते थे, क्योंकि वो संक्रामक बीमारी नहीं थी। उसके लिए समय के अनुरूप वैक्सीन विकसित हो गया था, उपचार होना शुरू हो गया था। हम गोरखपुर में सफलतापूर्वक उसका उपचार कर रहे हैं। गोरखपुर में हम लोगों ने इसके लिए वायरोलॉजी लैब भी बनाया है, लेकिन कोरोना वायरस का कोई उपचार नहीं है। केवल आज ये केवल इतने तक सफलता प्राप्त हुई कि हम जानकारी ले सकते हैं टेस्ट के माध्यम से कि इस व्यक्ति को कोरोना है, इतनी जानकारी भर हो सकती है। बाकी उपचार कोई अन्य दवा नहीं है, उपचार इसका एक ही है, पहले बचाओ, और बचाव का कारण है घर में रहें, हम लॉकडाउन का पालन करें। दूसरा, हम लोग अगर बाहर किसी इमरजेंसी कार्य से निकलना ही पड़ रहा है, उन स्थितियों में इस बात का पालन करें कि दूरी रख करके मुंह पर कपड़ा या मास्क लगा करके ही हम लोग चलें। ये चीजें अगर हम करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी, और जिस प्रकार से गोरखपुर अभी पूरी तरह बचा हुआ है उसको हमें आगे भी बचा के रखना है। इसमें आपकी एक बड़ी भूमिका होगी, सकारात्मक पहल आपके स्तर पर। जो भी कार्य करना है, टेलीफोन है, इसलिए दिन भर आपके पास है। आप टेलीफोन का उपयोग करके लोगों को मैसेज दे सकते हैं, प्रशासन को बता सकते हैं, शासन को बता सकते हैं,